Given below two statements. Statement one है, करेक्ट स्टेटमेंट वैसे एनसीआर से डायरेक्ट स्टेटमेंट भी उठाया हुआ है अब रीजन में बताता हूँ देखिए. जो फोर एफ एंड फाइव एफ सीरीज क्या होती है आपकी की and, है ना एंड नाइट्स की करेक्ट अब क्या होता है इनको क्या बोलता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो आप ऑब्वियसली देखा होगा जब पीरियोडिक टेबल होती है उसके अलग आप ये दोनों के दोनों सेपरेट करते हो हो लिखते रीज़न रीज़न क्या है देखिए जो मतलब दो तीन मान लो आपकी और वन वे से अदर रिलेटेड है एक दूसरे के पहला है जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन और उनका जो स्ट्रक्चर होता है कि पीरियोडिक टेबल को प्रिजर्व करने के लिए जो ऑब्वियसली इसमें बोला है क्लासिफिकेशन का देख्या होता है फोर एफ एंड फाइव एफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं अनलाइक जो ये मेन बॉडी है आपकी पीरियडिक टेबल की इसमें क्या होता है एस एंड पी ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं इसमें और इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं देखिए जब भी आप कोई जनरल फॉर्मूला देखते हो जैसे एन एस एन माइनस टू एंड एन ठीक है अब ये क्या हो गया एन इज द नंबर ऑफ शेल या पीरियड ओके okay. So, अब इसमें अगर आप देखोगे जो फोर एफ एंड फाइव एफ सीरीज है इसमें आप पहले जब एन एस भर देते हो उसके बाद सबसे पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं करेक्ट अनलाइक इसमें जिसमें आप ns के बाद एन पी भरते हो ओके okay? सो so, ये रीजन है कि पहली बात तो इनको सेपरेट रखा गया है ताकि अगर आप इन एलिमेंट्स को इसमें स्क्वीज कर दोगे ना तो वो जो एक आ, फ, आ, जो आ, कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने आ, एलिमेंट्स को डाला हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा समझ में और अगेन इन 4, F, 5, 5 को एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज लेंथ एक, एक, की मोरलेस थोड़ी सेम होती है अनलाइक इस जो मेन बॉडी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कंपेरिजन में समझ में आ गया एंड देट इज वाई जो आपका स्टेटमेंट वन है इज ट्रू सेकेंड है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर देखिए गाई ये तो जब एस ब्लॉक आप पढ़ते हो तो सबसे पहले यही स्टेटमेंट बताया जाता है कि ये दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं एन जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लो एलिमेंट्स क्या होते हैं एलकली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एनकलीन अर्थ मेटल्स बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम या मैग्नीशियम हो गया एल्कली हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप वन एंड ग्रुप टू ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत ही ईजिली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं ये तो फर्दर एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर सकता है बहुत जल्दी करेक्ट तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है जनरली ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते दे आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट प्योर फॉर्म में नहीं मिलते कि सोडियम मिल गया आपको या मैग्नीशियम मिल गया ये जनरली मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं आपको या की फॉर्म में मिलते हैं जैसे अदर uh, कंपाउंड जैसे ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएंगे कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे सल्फेट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे ओके एंड दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज इन करेक्ट सो जो आपका ऑप्शन नंबर थ्री है इज योर फाइनल आंसर यानी स्टेटमेंट वन इज टू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स